नमस्कार, द नगरी न्यूज के खास कार्यक्रम चुनावी नगरी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं साक्षी शर्मा। आज बात करेंगे राजस्थान की सबसे बड़ी विधानसभा सीट की, जहां पर आमतौर पर बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेता चुनाव लड़ते रहे हैं, लेकिन इस बार निर्दलीय उम्मीदवार ने दोनों पार्टियों की नींद उड़ा दी। बात कर रहे हैं झोटवाड़ा विधानसभा सीट की। इस बार कांग्रेस ने युवा चेहरे पर दाव खेला है और अभिषेक चौधरी को मैदान में उतारा है। वहीं बीजेपी ने जयपुर ग्रामीण से सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को बड़ी जिम्मेदारी दी। अब एक सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की टक्कर कांग्रेस के युवा नेता और NSUI प्रदेशाध्यक्ष अभिषेक चौधरी के साथ साथ निर्दलीय प्रत्याशी आशु सिंह सूरपुरा के से भी हुई। 2018 के विधानसभा चुनाव में यहां कांग्रेस को जीत मिली थी, पर फिर भी एक रिकॉर्ड बनाकर बीजेपी को हार मिली। जीतने वाले को सबसे अधिक मत और हारने वाले को भी हारने से सबसे अधिक मत मिले। भाजपा के राजपाल सिंह शेखावत को हार मिली, मगर उन्हें 1,16,438 वोट मिले। वो उस चुनाव में इतना वोट पाकर हारने वाले शेखावत अकेले प्रत्याशी थे। वहीं कांग्रेस के लालचंद कटारिया को 1,27,185 वोट मिले, जो उस चुनाव में सबसे अधिक थे। अब बात करें यहाँ के जातिगत समीकरण की, तो यहाँ पर 4,28,067 मतदाता है। यहाँ पर यादव ब्राह्मण तथा ST/SC समुदाय के मतदाता निर्णायक भूमिका में रहते हैं, मगर इस सीट पर राजपूत और जाट अधिक संख्या में है, इसलिए यहाँ पर भाजपा को हमेशा से बड़ा वोट मिलता रहा है। बात करें बीजेपी प्रत्याशी राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की, तो ये पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और साथ में जयपुर ग्रामीण बीजेपी सांसद भी है। ओलंपिक पकड़ा विजेता के साथ साथ सेना में भी ये अपनी सेवाएं दे चुके हैं। राठौड़ युवाओं में खासे लोकप्रिय है। राजपाल सिंह शेखावत का टिकट काट कर इनको टिकट दिया गया है, इसलिए इनका विरोध भी हो चुका है। कांग्रेस के प्रत्याशी अभिषेक चौधरी की अगर बात की जाए, तो ये अपने प्रचार के तरीके से भी काफी लोकप्रिय हुए हैं। इनका पूरा काफिला किसी बारात से कम नहीं लग रहा था और अभिषेक खुद घोड़ी पर चढ़कर लोगों के बीच पहुंचे थे। युवाओं के मुद्दे के साथ ये जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। NSUI प्रदेशाध्यक्ष होने के कारण इनका दबदबा युवाओं में खासा बड़ा है, लेकिन इनकी टक्कर कांग्रेस के पुराने चेहरे से ही होगी और वो है आशु सिंह सूरपुरा। टिकट नहीं मिलने पर नाराज आशु सिंह सूरपुरा ने निर्दलीय उम्मीदवारी पेश की और अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों को टक्कर दे रहे हैं। आशु सिंह सूरपुरा ने कोरोना काल में लोगों की मदद कर मिसाल पेश की थी और इनका नाम पड़ा कर्मवीर। राशन के अलावा उन्होंने लोगों को रोजगार हासिल कराने में मदद की और आर्थिक सहायता देकर सबको मजबूती दी। झोटवाड़ा क्षेत्र में आशु सिंह सूरपुरा का दबदबा आज भी कायम है। अब देखना होगा कि जनता किसको अपना समर्थन देती है। अगली बार फिर मिलूंगी एक और विधानसभा सीट के चुनावी समीकरण के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।